इस ब्रेक में आप सभी को चार बातों का ध्यान रखना है। आप जब सेंटर से बाहर निकले तो पेपर का डिस्कशन बिल्कुल भी ना करें। उन एजुकेशनल चैनल के रिपोर्टर से दूर रहे जो आपसे माइक लेके पूछने वाले हैं कि आपका पेपर कैसा गया। यूट्यूब पे ना जाए और अपने दोस्तों से भी ना डिस्कस करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपका घर बहुत नज़दीक है आपके सेंटर से या फिर आपका होटल जहाँ पे आपने बुकिंग की है वो नज़दीक है तो आप वहाँ जाकर रेस्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी कैफेटेरिया में जाकर रेस्ट कर सकते हैं। द होल पॉइंट इज कि आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, डोंट गेट स्वेटी एट ऑल, राइट। खाने की जहाँ तक बात है तो चॉकलेट जो है वो साइंटिफिकली एक प्रूवन चीज़ है जो एक स्ट्रेस बस्टर होता है, तो आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। आप जूसेस को कंज्यूम कर सकते हैं, कोई भी हैवी डाइट ना ले, छोले भटूरे छोले कुलचे जैसी चीज़ों को ना खाए। मालूम पड़ा कि आपको पेपर टू में नींद आ रहा है, और पावर नैप तभी ले अगर आप इस चीज़ के यूज टू हो, राइट। हाफ एन आवर का नैप लेने के बाद अगर आप लेजी फील करते हो तो बिल्कुल भी पावर नैप ना ले, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर है। और अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन बाकी है। अगर आपको PYQs फिजिक्स का सॉल्व करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं।